Hello friends, welcome to my channel Science Tutorials. So in this video I am going to begin with the new topic of this chapter, which is the mutation theory of Hugo de Vries. See, mutation theory यानी कि म्यूटेशन से रिलेटेड. अब इनसे पहले चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे उन्होंने भी म्यूटेशन को तो देखा था. उनकी थियोरी में हम लोग ने पढ़ा था ना लास्ट में, नियो डार्विन जो था उसमें उन्होंने म्यूटेशन को देखा था, बट ही इग्नोर्ड, उन्होंने उतना ज़्यादा उस पर एम्फेसिस नहीं किया था. जब ह्यूगो डे व्रीज की बात आती तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था बेसिकली म्यूटेशन के लिए, म्यूटेशन थियोरी दी थी. एक्सपेरिमेंट इन्होंने जिस चीज़ पर किया था, जिस प्लांट पर किया था, दैट इज़ कॉल्ड इवनिंग प्राइमरोज. इसका साइंटिफिक नेम है इनोथेरा लेमार्कियाना. गॉट इट. अब इन्होंने इस प्लांट पे बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन इस प्लांट में कराया था. सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन मिली उसमें मैक्सिमम प्लांट्स जो थे उसमें दो तरह की वैरायटीज दिखी. बेसिकली जो मैक्सिमम प्लांट्स थे उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, यानी कि बहुत कम वेरिएशन था. मैक्सिमम प्लांट्स शोड लेस वेरिएशन एंड देयर वर वेरी लेस प्लांट्स जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन था. ऐसे प्लांट्स बहुत कम थे जिनमें वेरिएशन ज़्यादा था. लेस प्लांट्स शोइंग मोर वेरिएशन. क्लियर. नाउ इन द सेकेंड स्टेप ही टुक दी दोज लेस प्लांट्स, जो ऐसे प्लांट्स जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, उनकी क्वांटिटी कम थी, उनको लिया एंड उनमें फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया एंड नेक्स्ट जनरेशन में फिर से यही सेम चीज़ देखने को मिली ह्यूगो डे व्रीज को. क्या देखने को मिली? इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम हुआ. ऐसे बहुत ज़्यादा प्लांट्स थे जिनमें वेरिएशन बहुत कम था एंड ऐसे बहुत कम प्लांट्स थे जिनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा था. Got it. Variation on the basis of size, color, location of leaf, stem and all those things. Now, अब जो plants थे जिनमें variation बहुत ज़्यादा था उनके chromosome numbers भी अलग थे. कैसे? देखो, ये जो plant है अगर हम लोग इसमें diploid characteristic, एक diploidy की बात करें तो ये होता है ना diploid, यानी कि 2n. Diploid यानी कि 2n and n number of chromosomes. 2 × 7 total 14 chromosomes. 14 chromosomes, 14 diploid chromosomes are present in this plant, Lemarckiana. When he noticed that कि variation बहुत ज़्यादा है तो उन ज़्यादा variation वाले plants को लिया, उनमें chromosome numbers देखे तो इसके अलावा दूसरे chromosomes number थे, यानी कि इनमें difference था, जैसे 16, 18, 32, इस तरह से difference था chromosome number में. Got it. सो इस तरह से इनको पता चला कि ये जो इनमें वेरिएशन शो हो रहा है ये एक सडन चेंज है जो कि कॉन्टीन्यूसली नहीं आ रहा है. दैट इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस चेंज, म्यूटेशन कॉज हो रहा है. कॉन्टीन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन नहीं शो हो रहा है वो, लेकिन अचानक से सडन चेंज दिख रहा है. दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन. दैट इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस वेरिएशन, जो कि बड़ा चेंज होता है, बड़ा वेरिएशन होता है जो कि ऑब्जर्वेबल होता है. दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन. तो म्यूटेशन थ्योरी में सिंपली ये चीज़ें थी जो कि मैंने इस वीडियो में कवर कर ली. इफ़ द वीडियो हेल्प यू आउट एंड प्लीज़ हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज़ विजिट टू माई प्रीवियस वीडियोज. इफ द चैनल हेल्प यू आउट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.